रहा है, उषा 90 मीटर तालाब में ना, उषा एक 90 मीटर लंबी तालाब में तैरती है, ये जो तालाब है उसकी लंबाई कितनी है 90 मीटर, इसमें उषा क्या करती है तैरती है। तो बोल रहा है कि यदि उसे 90 मीटर जाने में तथा वापस आने में, 90 मीटर जाएगा और वापस आएगा तो कितना हो जा रहा है 180 मीटर, कुल उसे कितना समय लगता है, एक मिनट का समय लगता है। कितने मिनट का समय लगता है, एक मिनट का समय लगता है। तो उसका औसत चाल और औसत वेग ज्ञात करें। देखो चाल और क्या पूछा है, वेग। अब हम बोले थे चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटा समय, और वेग बराबर क्या होता है, विस्थापन बटा समय। अब देखो दूरी पहले क्या, 90 मीटर गया और 90 मीटर वापस आया, तो दूरी क्या हो जाएगा, प्रारंभिक बिंदु से 90 मीटर गया फिर दोबारा उसी बिंदु पर 90 मीटर आया, 90 180 मीटर होगा। अब उसे कितना समय लगा, एक मिनट। अब देखो ये मीटर में है तो मिनट को भी हम क्या करेंगे, सेकंड में चेंज कर देंगे, एक मिनट में कितना सेकंड हो जाएगा 60, 0 0 कटेगा 6 3 18, 3 मीटर पर सेकंड। चाल क्या हो गया, 3 मीटर पर सेकंड। लेकिन अगर वेग का बात करेंगे, वेग बराबर क्या होता है, विस्थापन बटा समय। अब देखो विस्थापन, ये प्रारंभिक बिंदु यहाँ पर था, पहले क्या हुआ 90 मीटर तैर के यहाँ पर गया, फिर दोबारा आके यहाँ पर 90 मीटर फिर वापस आ गया। अब देखो विस्थापन क्या हुआ, यहाँ से गया फिर दोबारा वहीं पर वापस आया, तो प्रारंभिक बिंदु और अंतिम बिंदु वहीं पर सेम ही हो गया, मतलब यहाँ पर कोई दूरी विस्थापन हुआ, विस्थापन नहीं हुआ। तो विस्थापन कितना हो गया, 0 बटा समय कितना 60 सेकंड, तो क्या होगा 0 मीटर पर सेकंड, 0 हो जाएगा ना, 0 को 60 से भाग दोगे तो भाग जाएगा, तो 0 ही हो जाएगा। क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, विराम अवस्था से राहुल ने क्या किया, साइकिल को चलाना शुरू किया। देखो राहुल जो था विराम अवस्था में था, मतलब यहाँ पर वो राहुल क्या साइकिल से खड़ा हुआ था, वो क्या किया विराम अवस्था से चलाना शुरू किया। अब यहाँ से चलाना शुरू किया और कितना समय में बोल रहा, कितना 30 सेकंड में, कितना सेकंड में 30 सेकंड में 6 मीटर पर सेकंड ना, कितना मीटर पर सेकंड वेग प्राप्त किया 6 मीटर पर सेकंड, ठीक है। अब देखो 0 से चलाना शुरू किया था, उसका जो वेग था 0 मीटर पर सेकंड था, अब ये उसको जो 30 सेकंड लगा और उसका वेग क्या हो गया 6 मीटर पर सेकंड, ये पहले वाला, ठीक है। फिर उसके बाद वो कुछ दूर जाने के बाद यहाँ पर 6 मीटर पर सेकंड था, वहाँ पर क्या ब्रेक लगाया, और ब्रेक लगाया और कितने सेकंड बाद बोल रहा 5 सेकंड में, कितना सेकंड में 5 सेकंड में वो 4 मीटर प्रति सेकंड उसका वेग हो गया, उसका चाल क्या हो गया वेग क्या हो गया 4 मीटर पर सेकंड, समझ में। देखो सबसे पहले यहाँ से 0 पे स्टार्ट पे था साइकिल, प्रारंभिक बिंदु पे था तो 0 पे था ना, जब चलाना शुरू किया तो उसका वेग क्या 30 सेकंड में कितना 6 मीटर पर सेकंड हो गया। अब देखो 0 से बढ़कर क्या हुआ 6 मीटर पर सेकंड, तो यहाँ पर क्या देखो यहाँ पर क्या पूछा है, त्वरण पूछा ना। अब त्वरण बराबर क्या होता है, हम बोले थे त्वरण बराबर वेग में परिवर्तन की दर बटा समय, है ना। तो देखो दो चाहिए होगा, एक त्वरण, त्वरण बराबर क्या होगा ये ना, ये बराबर क्या होता है वेग में परिवर्तन बटा क्या बोले समय। अब वेग में परिवर्तन, देखो वेग में परिवर्तन क्या प्रारंभिक वेग और अंतिम वेग का अंतर होता है, प्रारंभिक वेग यहाँ पर क्या है u, प्रारंभिक वेग साइकिल से खड़ा था ना यानी 0 था उसका वेग, अब वो 30 सेकंड में कितना वेग कर दिया 6 मीटर पर सेकंड, यानी v कितना हो गया 6 मीटर पर सेकंड। तो a बराबर क्या होगा v माइनस u बाई टी, अब v कितना हो गया v 6 मीटर पर सेकंड और u 0 यानी 6 माइनस 0 बटा टी कितना 30 सेकंड, यानी 6 बटा 30 6 × 6 6 × 6 30, 1/5 यानी 0.5 × 10 0.2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। त्वरण क्या होता है मीटर पर सेकंड स्क्वायर में होता ना, तो 0.2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ये एक ठू आया। अब दो ठू दिया था ना क्वेश्चन इसी में ही, फिर क्या बोला 6 मीटर प्रति सेकंड वेग जब पकड़ लिया वो क्या किया अचानक से ब्रेक लगाया, अगर ब्रेक लगाया तो ऋणात्मक त्वरण होगा ना, ऋणात्मक त्वरण यानी क्या बोले थे मंदन, यानी सेकंड में क्या होगा ए बराबर क्या होगा वी माइनस यू बाई टी, वी माइनस यू बाई टी ना। अब देखो
प्रारंभिक वेग इसके लिए क्या हो जाएगा, यू क्या हो जाएगा, 6 मीटर प्रति सेकंड चल रहा था ना उस समय वो ब्रेक लगाया, मतलब प्रारंभिक वेग इसका 6 था और ब्रेक लगाया तो उसका वेग घटकर क्या हो गया, वी क्या हो गया, 6 से घटकर 4 हो गया, यानी वी माइनस यू यानी 4 माइनस 6 बटा टी कितना सेकंड, कितना समय लगा, 5 सेकंड, 4 माइनस 6 यानी माइनस 2 बटा 5, तो 5 चौके 0.4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ये हो जाएगा मंदन, है ना, जो ऋणात्मक अगर त्वरण माइनस में जाएगा तो क्या बोलते हैं उसको, मंदन। एक बस 5 सेकंड में 80 किलोमीटर प्रति घंटा से क्या हो जाता है, घटकर 60 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाता है, तो बस का त्वरण ज्ञात करें। देखो एक बस था अगर कितना बोल रहा, 80 किलोमीटर प्रति घंटा उसका क्या था, वेग था 80 किलोमीटर प्रति घंटा, और घटकर ये कितना हो गया, 60 किलोमीटर प्रति घंटा, ये प्रारंभिक वेग u, अंतिम वेग v, है ना, प्रारंभिक वेग u और अंतिम वेग v, अब घटकर ये 80 से क्या हो गया, घटकर 60 हो गया, तो इसका त्वरण ज्ञात करें बोल रहा, यानी a बराबर क्या होता है, v माइनस u बाई टी, वी यहाँ पर कितना है, वी और u ना, वी कितना है 60 किलोमीटर प्रति घंटा और u कितना है 80 किलोमीटर प्रति घंटा, तो वी माइनस यू करेंगे यानी 60 माइनस 80 यानी माइनस कितना हुआ 20 बटा टी कितना सेकेंड 5 सेकेंड। देखो ये 20 क्या है, किलोमीटर प्रति घंटा, किलोमीटर को किस में चेंज कर रहे, मीटर में, किलोमीटर बड़ा है तो मीटर में चेंज करेंगे यानी छोटा, और छोटा में चेंज करेंगे तो ऊपर में क्या होगा 5 और नीचे में 18, है ना, 5/18, 5 से काट दिए 5, 2 से काटेंगे 9, 2 से काटेंगे 10, माइनस 10/9 मीटर पर सेकेंड, धावक ना, एक क्या है गोलाकार पथ है, एक क्या है ये गोलाकार पथ है, इसमें एक धावक बोल रहा है, एक धावक क्या करता है दो चक्कर लगाता है, एक धावक क्या लगाता है दो चक्कर, तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट यानी दूरी और क्या चाहिए आपको, विस्थापन, तो दूरी क्या होगा और विस्थापन क्या होगा। देखो अगर इस पॉइंट से अगर चक्कर लगाते हैं तो क्या ये एक चक्कर लगाया, तो क्या ये अगर वृत्तकार है तो अगर यहाँ से एक चक्कर लगाए तो ये वृत्त का क्या होगा, परिधि, तो यहाँ पर बोल रहा दो चक्कर लगाया तो दूरी क्या हो जाएगा 2πr, एक चक्कर के लिए और एक चक्कर के लिए और एक 2πr, यानी क्या हो जाएगा 4π, क्या हो गया 4πr, 4πr क्या हुआ दूरी, लेकिन डिस्प्लेसमेंट का बात करेंगे, विस्थापन का बात करेंगे, तो एक चक्कर लगाया यहाँ पर आके रुका, फिर दोबारा एक चक्कर लगाया तो यहीं पर आया, तो देखो प्रारंभिक बिंदु भी वही, अंतिम बिंदु भी वही, यानी डिस्प्लेसमेंट जो होगा, विस्थापन जो होगा वो क्या हो जाएगा 0। 10 सेंटीमीटर भुजा वाला वर्ग ना, क्या बोल रहा क्वेश्चन में, एक 10 सेंटीमीटर भुजा वाले वर्ग, अगर ये एक 10 सेंटीमीटर भुजा वाला क्या है वर्ग है, जिसकी भुजा क्या है 10 सेंटीमीटर, क्या है ए बी सी डी, तो बोल रहा एक व्यक्ति ए से चलना शुरू करता है, एक व्यक्ति ए से चलना शुरू करता है और कहाँ तक जाता है सी तक जाता है, देखो प्रारंभिक बिंदु कहाँ से चला ए से और कहाँ तक गया सी तक गया, तो हम लोग को क्या निकालना है दूरी तथा विस्थापन, डिस्टेंस तथा डिस्प्लेसमेंट ना, तो दूरी जो होगा, डिस्टेंस जो होगा वो कितना होगा बताओ, देखो ए से बी तक गया 10 और बी से सी, ये भी भुजा 10 होगा ना, चारों भुजा क्या होगा 10, तो बी से सी तक गया 10, यानी दूरी जो हुआ 10+10 यानी 20 मीटर हुआ। अब विस्थापन देखेंगे तो डिस्प्लेसमेंट, विस्थापन जो देखेंगे, देखो विस्थापन बोलने से प्रारंभिक बिंदु और अंतिम बिंदु की न्यूनतम दूरी, अगर ये प्रारंभिक बिंदु है और ये अंतिम बिंदु, न्यूनतम दूरी कब होगा जब क्या होगा कोई सीधा रेखा में होगा, तो अगर ये वर्ग है तो ये वर्ग का क्या हो रहा विकर्ण, वर्ग का विकर्ण बराबर क्या होता है, अगर ये अगर वर्ग का कोण 90 डिग्री होता ना तो ये कर्ण हो जाएगा, तो ये लंब हो जाएगा, तो ये आधार, यानी वर्ग का विकर्ण बराबर जो एसी दूरी होगा ना, यानी लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर, यानी 10 का स्क्वायर जोड़ 10 का स्क्वायर, है ना,
10 का स्क्वायर 100, 100 सौ 200, 200 ना, रूट 200, रूट 200 कितना होगा, रूट 200 में कितना हो जाएगा, 10 गुना 100 गुना 2 ना, यानी 10√2। विस्थापन क्या हो जाएगा, 10√2। यदि क्या बोल रहा, कोई कार आधी दूरी को ना, अगर ये आधी दूरी को कितना किलोमीटर चाल से जा रहा है, 20 किलोमीटर प्रति घंटा, और शेष आधी दूरी को 30 किलोमीटर प्रति घंटा। देखो ये सेम दूरी है क्या, मैथ में जैसे बनाते हैं औसत चाल बराबर दूरी, कुल दूरी बटा कुल समय बनाते हैं, या फिर अगर डिस्टेंस आधी दूरी एक्स और आधी दूरी क्या एक्स दूरी, अगर सेम अगर दूरी रहेगा तो औसत चाल बराबर फॉर्मूला हम लोग का क्या बनता है, औसत चाल बराबर क्या होता है, 2xy/x + y। यहाँ पर 2 × v1 + v2 एक ही कुछ भी ले सकते हो, 2 एक्स क्या है 20 और 30, 20 × 30 + 20 + 30 50, 0 0, 5 × 6 = 30, 6 × 4 = 24 किलोमीटर प्रति घंटा। या फिर क्या कर सकते हो, कुल दूरी बटा कुल समय, कुल दूरी कितना x + x 2x बटा कुल समय x/20 + x/30। किसान 10 मीटर की भुजा वाले एक वर्गाकार खेत, देखो एक 10 मीटर भुजा वाला क्या था, एक वर्गाकार खेत था। अगर 10 मीटर भुजा वाला एक वर्गाकार खेत था, क्या बोल रहा है, 40 सेकंड में, वो कितना सेकंड में, 40 सेकंड में एक चक्कर लगाता है। अगर ये 10 मीटर है, ये 10 मीटर है, ये 10 मीटर, ये 10 मीटर, एक चक्कर क्या होगा 40 मीटर। अब 40 सेकंड में एक चक्कर लगाता है, एक चक्कर लगाता है, तो वो रहा एक 2 मिनट 20 सेकंड बोला, कितना बोला 2 मिनट 20 सेकंड, 2 मिनट 20 यानी 120 और 20, 140 सेकंड। अब 40 सेकंड में एक चक्कर लगाएगा, फिर और 40 सेकंड में एक चक्कर लगाएगा, फिर और 40, 120 सेकंड में एक चक्कर लगा देगा ना। मतलब अगर मान के चलो यहाँ से अगर शुरू किया तो ये एक चक्कर तीन चक्कर में क्या होगा, फिर वही उसी बिंदु पे आ जाएगा, तीन चक्कर लगाने के बाद। अब तीन चक्कर लगाने में 120 सेकंड लगा, तो बचा और कितना 20 सेकंड, 20 सेकंड में वो कितना जाएगा, 40 सेकंड में एक चक्कर जा रहा मतलब 40 मीटर जा रहा, तो 20 सेकंड में ये कितना जाएगा 20 मीटर, ये प्रारंभिक बिंदु और ये अंतिम बिंदु। अब ये प्रारंभिक बिंदु और अंतिम बिंदु की दूरी यानी कर्ण हो गया, लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर, यानी 10 का स्क्वायर अंडर ये होगा विस्थापन, है ना। तो 10 का स्क्वायर 100 यानी ये 200√200, 10 × 100 यानी 10, विस्थापन क्या हो जाएगा 10√2, ये बताना होगा। ये प्रारंभिक बिंदु U हो गया और ये क्या हो गया V हो गया, तो न्यूनतम दूरी U और V का न्यूनतम दूरी क्या होगा 10√2। एक वृत्तीय रास्ते, अगर एक वृत्तीय रास्ता है मतलब वृत्तीय है और जिसका व्यास क्या है, बोल रहा है व्यास कितना है डी 200 मीटर, यानी त्रिज्या आर क्या हो जाएगा, आर 100 मीटर हो जाएगा, है ना। अगर डी 200 मीटर है तो आर क्या होगा, व्यास का आधा ही होगा। अब त्रिज्या क्या हो गया 100 मीटर, तो इस एक चक्कर बोलेंगे यानी परिधि होता है 2πr, 2π का मान 22/7, आर का मान 100, कितना होगा 22 × 44 4400/7 मीटर। ये एक चक्कर जो होता है वो क्या होता है 4400/7 मीटर। तो बोल रहा है वो एक चक्कर जब लगाता है कितना समय में लगाता है 40 सेकंड। अब 40 सेकंड में एक चक्कर लगाता है और वो क्या बोल रहा है 2 मिनट 20 सेकंड में, कितना बोल रहा है 2 मिनट 20 सेकंड, 2 मिनट 20 सेकंड, 2 मिनट 20 सेकंड यानी कितना हो रहा, 2 मिनट यानी 60 120 मिनट। अब 40 सेकंड में देखो अगर कहीं से शुरू करा, मान के चलिए इस बिंदु से शुरू किया, तो ये एक चक्कर, फिर दो चक्कर और एक तीन चक्कर, है ना। 2 मिनट यानी 120 सेकंड ना, 120 सेकंड में वो कितना चक्कर लगाएगा, तीन चक्कर। अगर मान के चलिए ये प्रारंभिक बिंदु था तो ये दोबारा तीन चक्कर लगा के यहीं पर आ गया। तो अब उसको लगाना कितना, 2 मिनट 20 सेकंड लगाना था, 2 मिनट में 120 सेकंड में तो फिर वहीं पर आ गया, तो 20 सेकंड में और कितना जाएगा देखो 40 सेकंड में वो क्या जा रहा, एक चक्कर जा रहा, और वो यहां से जाएगा 20 सेकंड में कितना जाएगा,